अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मौसम अच्छा था, अभी अचानक ही मौसम इसका जो है ना ख़राब हो गया, अब गर्मी लग रही है मुझे। तो गाइस, इस वक्त मैं हूँ अज़रबैजान के कैपिटल बाकू के अंदर, और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था गांजलिक मॉल, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल सामने है। ये है जनाब यहाँ का गांजलिक मॉल, ये सेकंड मॉल है जो मैंने ये बाकू में विज़िट किया है। फर्स्ट था क्या नाम है उसका, क्या नाम था यार, नाम ही भूल गया मैं, डेनिस, या डेनिस मॉल। और सेकंड ये है गांजलिक मॉल। तो यहाँ पर आने के लिए आप मेट्रो पे आ सकते हो, बस पे आ सकते हो, या फिर बोल्ट जो यहाँ की टैक्सी सर्विस ही आप समझो क्रीम उबर की तरह, उस पर आ सकते हो। बहुत ही सस्ती है, तकरीबन 1.5 मन्नात लगेंगे, आप यहाँ पर पहुँच आओगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको जो जगह विज़िट करवाने वाला हूँ वो है अतातुर्क पार्क, बिल्कुल मेरी बैक साइड पे। टर्की के जो ग्रेट लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया है, अतातुर्क पार्क। तो चले अंदर चलते हैं, मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त गर्मी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगा। और दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोला था कि बाकू के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, या तो आपको फाउंटेन देखने को मिलेंगे और या फिर आपको पार्क देखने को मिलेंगे। एक पार्क ख़त्म होगा तो दूसरा पार्क स्टार्ट हो जाएगा। आप देख लो यहाँ के लोग, जितने भी मैंने लोग देखे हैं, स्मार्ट, स्लिम, फिट, कोई मोटापा, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग चलते बहुत हैं। और ये वाली बिल्डिंग भी आप देखो ज़रा, नीचे टर्नल से होते हुए आप यहाँ से बाहर निकलोगे आपको ये नज़र आएगा अतातुर्क पार्क। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस पार्क की कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई फीस नहीं है, ये फ्री एंट्रेंस है इस पार्क की। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के कैफ़े मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहाँ पे आप उनका फूड ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, इस पार्क के पास जो है ना दो मॉल पड़ते हैं, एक जो है ये गांजलिक मॉल जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा जो है वो कैस्पियन शॉपिंग मॉल। बिल्कुल कैस्पियन शॉपिंग मॉल थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। और ये जो है ये तो बिल्कुल पास है, इसके बिल्कुल सामने ही है। तो मतलब कि अगर आप पार्क विज़िट करते हो और अगर आपको वो मॉल जाना है तो वो आपके लिए ईजी है। और आई थिंक ये टनल आपको मिलेगा कि आप इससे रोड क्रॉस करके आप उस तरफ जा सकते हो। और इनके टर्नल जो अंदर से है ना, इनके टर्नल जो हैं वो अंदर से बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, और लाइटिंग है, अंधेरा नहीं है। और कुछ म्यूजिशियन वहाँ पे क्या नाम है शो करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो इट्स अमेजिंग। तो दैट्स इट गाइस, ये इस पार्क का एंड है। आई थिंक इसकी दो ही एंट्रेंस है, एक यहाँ से, अभी मैं सीधे ही वहाँ से चल के आया हूँ, और यहाँ पर इसकी एंट्रेंस ख़त्म हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से अगर आप चल के आओगे सीधा लास्ट तक, बस ये है पार्क अतातुर्क पार्क। बट इसके साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट कैफ़े आपको मिलेंगे, तो अगर आप रिलैक्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये भी एक पार्क है, घूमने के लिए बेस्ट है, आप घूम सकते हो। लेकिन ये कि बाकू में आपको एक पार्क को छोड़ के दूसरा पार्क मिलेगा लाजिम। और यहाँ के लोग बहुत नाइस हैं, दिस इज नथिंग। ऑलराइट गाइस, ये था यहाँ का अतातुर्क पार्क, छोटा सा पार्क था। इसके साइड में जो है ना रोड है, चारों साइड पे आपको रोड ही मिलेगी आपको, बस छोटा सा है बट आप फिर भी विजिट कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।